हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आज हम पढ़ेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन लास्ट वीडियोज़ में हमने पढ़ा था ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर अगर आपको मेरे वीडियोज पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक करना कॉमेंट करना इस चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना तो पहले हम देखेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है ए डिफरेंशियल इक्वेशन विच कैन बी ऑप्टेन डायरेक्टली बाई डिफरेंशिएटिंग इट्स प्रिमिटिव प्रिमिटिव बोलते हैं सोल्यूशन को विदाउट इलिमिनेशन और ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कोई चेंज लाने के बगैर इज कॉल्ड एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ठीक है तो मैं एक एग्जाम्पल लूंगा आपको पूरा समझ में आ जाएगा सपोज एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू सी ये एक सोल्यूशन है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ठीक है तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर मैं इसमें डिफ्रेंसिएशन करूं करते हैं यह आ जाएगा टू एक्स डी एक्स प्लस टू वाई डी वाई इज इक्वल टू जीरो और मैं ऐसे लिख सकता हूं x डी एक्स प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू जीरो डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है इसमें मैंने चेंज लाई मुझे ये वाली इक्वेशन मिली डायरेक्टली तो इस चीज को मैं बोलूंगा इट्स एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्योंकि हमारा डेफिनेशन यही बोल रहा है एट डिफरेंशियल इक्वेशन विच कैन बी ऑप्टेन डायरेक्टली बाई डिफरेंशिएटिंग इट्स प्रिमिटिव बाई डिफरेंशिएटिंग इट्स प्रिमिटिव इसके प्रिमिटिव को हमने डिफरेंशिएट किया विदाउट एलिमिनेशन और ट्रांसफॉर्मेशन मैंने कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं किया कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं की कोई एलिमिनेशन नहीं किया मैंने डायरेक्टली मैंने सिंपल डिफरेंशिएशन किया अब मुझे क्या मिली एक और डिफरेंशियल इक्वेशन और उस डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं बोलूंगा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ठीक है अब हम देखेंगे नेसेसरी कंडीशंस फॉर एन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन टू बी एग्जैक्ट ठीक है तो हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो अब यहां पे आप बोलोगे एम और एन क्या है एम एम इज द फंक्शन ऑफ मैं लिखूंगा एम इज द फंक्शन ऑफ एक्स और वाई ठीक है एंड एन इज द फंक्शन ऑफ इधर इज द फंक्शन ऑफ एक्स और वाई ठीक है इज सेड टू बी एग्जैक्ट ओनली एंड ओनली इफ डेल एम डिवाइडेड बाय डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन डिवाइडेड बाय डेल एक्स ठीक है हमारे पास कोई ऑर्डिनेट डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ द फॉर्म ऑफ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो वेयर एम एंड एन आर बोथ द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई तो ये हमारी ऑर्डीनरी डिफरेंशियल इक्वेशन तब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी जब डी एम सॉरी डेल एम डिवाइडेड बाई डेल वाई मतलब पार्शल डिफरेंशिएशन ऑफ एम विद रेस्पेक्ट टू वाई इज इक्वल टू पार्शल डिफरेंसिएशन ऑफ एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स तब जाके ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी एग्जैक्ट होगी फिर उसके बाद हम जब ये ट्रू होगा उसके बाद हम जनरल सोल्यूशन फाइंड करते हैं जनरल सोल्यूशन हम कैसे फाइंड करते हैं जनरल सोल्यूशन हम जनरल सोल्यूशन सिंपली फाइंड करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एन डी वाई इज इक्वल टू सी जब ये कंडीशन ट्रू हो उसके बाद हम जनरल सोल्यूशन फाइंड करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स प्लस एनडी वाई इज इक्वल टू सी अब इसमें देखो एक ट्रिक है यहाँ पे ये यह जो m है यहाँ पे ये यह जो फंक्शन है इसमें y हम कांस्टेंट लेते हैं सो so, मैं यहाँ पे लिखूंगा y इज कांस्टेंट सपोज एम डी एक्स हमारा होगा y प्लस एक्स स्क्र ठीक है तो y जो है हम हम यहाँ पे कांस्टेंट लेंगे ठीक है और एक्स स्क्र का हम इंटीग्रेशन लगाएंगे सिमिलरली सेकेंड इंटीग्रल में हम x जो है मतलब x को हम लेंगे ही नहीं सो so, मैं लिखूंगा फ्री फ्रॉम x फ्री फ्रॉम एक्स सपोज एन डी वाई होगा हमारा एक्स स्क्र तो हम लेंगे एक्स स्क्र के बदले मतलब एक्स तो हमें लेना ही नहीं है यहाँ पे तो हम लेंगे यहाँ पे वन ठीक है काफी ज्यादा आसान है तो उसके बाद हम इसमें प्लस माइन्स करते हैं और उसके बाद हमारा जनरल सोजेशन आ जाता है एग्जैक्ट डिफ्रेंशल इक्वेशन का ठीक है आई होप आपको समझ आया होगा कोई कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट सेक्शन में लिखना थैंक यू